इल्जाम लगाया कि कांग्रेस एनसीपी ये जो पार्टियां हैं ये बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो ये इल्जाम आपके कहां तक सच है इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप खुद इस बात के गवाह हो कि बीजेपी का प्रेसिडेंट जो आरएसएस का भिवंडी शहर का प्रमुख जिम्मेदार है संतोष शेट्टी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिसेंटली ये खुला सबके सामने रख दिया कि आरएसएस के सपोर्ट से जावेद दलवी कांग्रेस के नेता महापौर बने थे। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आरएसएस के सपोर्ट से इमरान वली मोहम्मद जो एनसीपी के आज कॉरपोरेटर हैं वो डिप्यूटी मेयर हैं। जब आरएसएस का पदाधिकारी बीजेपी का शहर प्रमुख खुद बोल रहा है कि हमने बनाया है और साबित करना है, अगर साबित नहीं कर सकते हो कि भाई हमने नहीं बनाया है तो इमरान वली मोहम्मद रिजाइन दे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रहा सवाल समाजवादी का, तो समाजवादी ने माजी में विलासार पाटिल को मेयर बनाने में मदद की थी और बीजेपी का सपोर्ट था उसको, तो समाजवादी पार्टी के 2017 के जो दो कॉरपोरेटर थे उन्होंने भी बीजेपी को वोटिंग किया था और अभी भी 2019 में भी उन्होंने बीजेपी को वोटिंग किया। हमारा ऐसा कहना है कि चुनकर क्यों देना सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर जब तुम बीजेपी को वोटिंग करेंगे। तो जैसा कि अभी जो आने वाला 22 का चुनाव है, 2022 का, इसमें MIM अपनी कितनी सीट उतारेगी और कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछड़े समाज का नेतृत्व करती है जी, हम पिछड़े समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो जितने पिछड़े इलाके हैं शहर के वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100% चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 101 वार्ड हो गया है, नई रचना आना बाकी है, लेकिन 90 सीट के हिसाब से कैलकुलेशन जो हमारा है वो 50 प्लस का है। अगर 101 सीट का न्याय जो चतुर्सीमा आती है उसमें हो सकता है बहुत से इलाके बढ़ जाएं जिसमें मुसलमान और दलित का समावेश हो जिस वार्ड में, उस वार्ड में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जरूर लड़ेगी। तो यानी कि आने वाले इलेक्शन में आप पूरी सीटें उतार के लड़ने का इरादा MIM का है? बिल्कुल। तो इसके बाद जो मेन चेहरा होता है मेयर का, वो MIM किसे पेश करेंगे? देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत में टैक्सी ड्राइवर को MLA बनाया जी। एक आम नौजवान जो पढ़ा लिखा था माजिद हुसैन उसको मेयर बनाया, वो कोई लीडर नहीं था बहुत बड़ा, उसको मेयर बनाया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का धोरण है, हम में जो काबिल होगा, जो बेहतर होगा, जो शहर के अव्वल नागरिक होने का जो दर्जा हासिल कर सकता है ऐसा काबिल नौजवान को हम मेयर बनाएंगे। देखिए, जिसमें आवाम का काम करने की सलाहियत है एक्चुअल में वही हमारा नेता होना चाहिए। आवाम का काम करने का जज्बा होना चाहिए, पढ़ा लिखा है और लोगों को लूट रहा है, ऐसा आदमी किस काम का जी। बताइए आप, जब शहर में हमारे चौथी पास मेयर बन सकता है आज, और जब एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा काबिल आदमी मेयर बन के शहर को लूट सकता है, तो उस शहर में हम इस बात की ज़्यादा चिंता क्यों करें जी, है कि नहीं? जावेद भाई मेयर थे, कितना पढ़े हैं, और विलासार पाटिल मेयर है, कितना पढ़े हैं, लेकिन दोनों के समावाद से समन्वय तौर पर जो शहर को बर्बाद करने के लिए मूल कारण बना हुआ है वो तो बना हुआ है। तो मेयर तो बात की बात है, हम ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कॉरपोरेटर एक चुनकर आया ना तो काउंसिल में आवाम की पूरे शहर की कायद करेगा इंशाल्लाह ताला। तो साहब भाई, आप जो इस वक्त अभी पार्टी में ज्वाइन हुए हो MIM में, तो आप समाजवादी छोड़ने की वजह बता सकते हैं? समाजवादी छोड़ने की वजह यही है कि उनका जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए समाजवादी का मुझे, वो मुझे मिला नहीं। 4-5 महीना मुझे ऑफिस डाले हुआ, मैं उसमें मेहनत कर रहा हूँ, एरिया में मेहनत कर रहा हूँ, उनके लिए वेस्ट है ना कुछ है ही नहीं। भिवंडी बोले तो उनके लिए सिर्फ डेबी नगर शांति नगर वही है, और सिर्फ वही मेहनत करते हो और कहीं मेहनत नहीं करते। और MIM में ज्वाइन होने की मेरी ये वजह है कि सादा भाई का जो काम है, हाँ, MIM की जो थिंकिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई। सादा भाई जो काम कर रहे भिवंडी के लिए वो मुझे बहुत पसंद आया, और मजलूमों के लिए और गरीबों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो MIM है, इसलिए मैं MIM ज्वाइन करना पसंद किया। तो शादाब भाई, आप आने वाले 2022 के चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आवाम से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में एक समाज सेवक सैफ अंसारी साहब जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, आज बैरिस्टर असद अवैसी साहब की क़यादत को इन्होंने कबूल किया है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर को महानगर पालिका का दर्जा मिले हुए 20 साल हो गया, और पिछले 20 सालों में भिवंडी शहर में सेकुलर मुसलमानों ने सेकुलर जहन के साथ नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को चुन कर दिया। कांग्रेस, NCP, समाजवादी
ये तीन पार्टियां लगातार 20 साल से सत्ता का फल खा रही है कॉरपोरेशन में। जी बिल्कुल, सत्ता का फल खाने के लिए इन्होंने बीजेपी से अलायंस किया, इन्होंने शिवसेना से अलायंस किया, ठीक है अलायंस किया, लेकिन शहर के विकास के लिए अगर अलायंस किया था तो शहर आम सहूलियात से वंचित क्यों? ये MIM का सवाल है। आज भिवंडी शहर के ये हालात हैं कि चलने के लिए सड़क नहीं है, बहुत से इलाकों में गटर नहीं है, गटर है तो चेंबर नहीं है। आज भी भिवंडी शहर महानगर पालिका 20 साल बने अगर हो गया तो भिवंडी शहर में अधिकतर इलाकों में पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा आता है, स्लम एरिया में डंपिंग ग्राउंड बना दिए जाते हैं, वहाँ गली गलाजा शहर की फेंकी जाती है, गरीब बोलता नहीं, और उसी गरीब इलाके से जो कॉरपोरेटर चुनकर आता है उसका बंगला बनता है, वो उसी इलाके में बड़ी गाड़ियां लेके जाता है धन धनाते हुए बीजेपी कोटिंग करके। तो ये शहर की जनता लगातार देख रही है। और सबसे बड़ी चीज ये कि आवाम के मसाइल पर, क्योंकि इन्होंने ही मसाइल पैदा किए तो ये आवाम के मसाइल पर बोलने वाले नहीं, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार आवाम के मसाइल पर बात कर रही है। ना सिर्फ बात कर रही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको इंसाफ दिलाने के लिए देश के संविधान का इस्तेमाल करते हुए लड़ रही है। और रिसेंटली बहुत से मसले ऐसे हैं, जैसे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के 22 हेल्थ सेंटर में 5 हेल्थ सेंटर में गायनेक सेंटर बनने जा रहा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहरबानी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले 1.5 साल से लगातार फॉलोअप किया, और पिछले साल 2021 में भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका ने 5.5 लाख गायनेक सेंटर के लिए मंजूरी दिया। ये 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 सोच कौन ला सकता है? जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कॉरपोरेटर नहीं, कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं, तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता का इतना काम कर सकती है, तो इलेक्टेड मेंबर आने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितना काम कर सकती है? इस सोच के साथ भिवंडी शहर में अलग अलग इलाकों से नौजवान लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी आज हमारे बीच में मौजूद है जिनमें कौम का मिल्लत का जज्बा है, इसलिए आज उन्होंने ये फैसला किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज उन्होंने दामन थामाया। क्योंकि हम देखते हैं कि देगर पॉलिटिकल पार्टी में जो भी नौजवान जुड़ता है उसका अपना एक मकसद होता है, कम्युनिटी का मकसद नहीं होता है, उसको पैसे वसूलना होता है जुगाड़ के अड्डे वालों से, टोरेंट की दादागिरी से, या किसी अधिकारी को डरा के पैसे वसूलना होता है, या बिल्डर से पैसे लेना होता है, वो ऐसी पार्टियों में जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वही आदमी जाता है जिसका ये मकसद होता है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब की विचारधारा को मजबूत करो।